नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है तारीख 10 सितंबर 2023 दिन रविवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार। मॉनसून में अब तक 2560 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 15 सितंबर तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम संबंधी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून कमजोर रहा है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। गगल में 45, नगरोटा सूर्या 22, धर्मशाला 17, देहरा गोपीपुर 15, जोगिंदरनगर और मंडी में 4-4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में शनिवार को धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। G20 में 6 हिमाचली उत्पाद, विदेशी मेहमानों को भा रहे ऊनी वस्त्र, कर रहे खरीदारी। देश की राजधानी दिल्ली में हिमाचल के उत्पादों की जमकर प्रशंसा हो रही है। हिमाचल के कुल्लू जिला के उत्पादों को विदेशी लोग भी बड़े ही चाव के साथ खरीद रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में कल यानी 9 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन का आगाज हो गया। इसमें पूरी दुनिया से कई देशों के प्रमुख इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस G20 सम्मेलन में कई राज्यों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में बाहरी देशों से आए प्रतिनिधियों को हिमाचल के उत्पाद काफी पसंद आ रहे हैं और विदेशी मेहमान इनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी मेहमानों ने ज्यादातर कुल्लूवी उत्पादों की खरीदारी की है। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड के प्रयासों से डिजाइन सलाहकार अक्षिता शर्मा के निर्देशन में ऊन से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कुल्लू जिला की कुल्लूवी विम्स संस्थान द्वारा बनाए गए देसी ऊन के हाथ से बुने हुए वस्त्रों के संग्रह की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें कुल्लूवी टोपी, मफलर और ऊनी कपड़े रखे गए हैं। नकली पुलिस बनकर आए शातिर, कारोबारी से 1 लाख रुपए ठगे, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में एक कारोबारी के साथ नकली पुलिस बनकर आए शातिरों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका चौथा साथी नाबालिग भी इस मामले में संलिप्त है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र कुमार निवासी अर्की ने शिकायत दी कि उसकी दुकान पर कुछ लोग आए। इसकी जानकारी दुकान में कार्यरत मसराम ने दी। उसने बताया कि दुकान में खुफिया पुलिस विभाग में कार्यरत लोग आए हैं और दुकान में पड़े कैश को कब्जे में ले लिया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 7 सितंबर को उनकी मांग के अनुसार 1 लाख रुपए दे दिए गए। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया तो झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद थाना अर्की में केस दर्ज किया गया। मामले की पुष्टि SP सोलन गौरव सिंह ने की है। शिमला के गेटी थिएटर में 20 देशों और 24 राज्यों की फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला का 9वां संस्करण 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होगा। इसका आयोजन गेटी थिएटर में किया जाएगा, जिसमें 20 देशों और 24 राज्यों की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मॉडल सेंटर जेल कंडा और नाहन में कैदियों के लिए भी फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके पीछे IFFS का उद्देश्य उन कैदियों को प्रेरित करना है जो दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेलों में वे बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते हैं और इससे उनमें अवसाद और जेल की दीवारों और सलाखों के पीछे संस्थागत हो जाने का भय बढ़ जाता है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने दारलाघाट के शिवम चंदेल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दारलाघाट की ग्राम पंचायत बरायली के शिवम चंदेल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट शिवम के पिता श्याम सिंह चंदेल भी कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। शिवम ने पुणे विश्वविद्यालय से बीटेक इंजीनियर की है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में प्रशिक्षण प्राप्त कर उनका चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में हुआ। शिवम सशस्त्र बलों में चंदेल परिवार की तीसरी पीढ़ी के अधिकारी बने हैं। शिवम के दादा स्वर्गीय बाबू राम ने अपनी सेवा के दौरान चीन के साथ 1962 का युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध लड़ा था। वहीं पिता कर्नल SS चंदेल को कारगिल ऑपरेशन के दौरान प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट शिवम के चाचा सूबेदार लेखराम चंदेल वर्तमान में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात हैं।
दो महीनों बाद मंडी कुल्लू रूट पर दौड़ी एचआरटीसी वोल्वो बस, यात्रियों को राहत। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से कुल्लू के बीच जल्द ही एचआरटीसी वोल्वो बस सेवा शुरू होगी। दो महीनों से रूट वोल्वो बसों के लिए बंद है। इस रूट पर शनिवार को सफल ट्रायल किया गया। ऐसे में अब पर्यटकों को वोल्वो बस सेवा की सुविधा मिल पाएगी। ट्रायल विशेषकर पंडो के पास बनाए वैकल्पिक मार्ग पर किया गया। यहां से वोल्वो बसों के गुजरने को लेकर संशय था। पंडो डैम के पास हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाया है। रामपुर में मेहमान ने 15 साल की किशोरी से की दरिंदगी, सलाखों के पीछे आरोपी। घर पर मेहमान बनकर आए एक शख्स ने नाबालिग से दरिंदगी कर डाली। आरोपी ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया और इसका खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। घटना शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की है। शिकायत के अनुसार आरोपी युवक रणजीत राणा शिमला का रहने वाला है। वह किसी काम के सिलसिले में रामपुर आया था। 4 सितंबर को वह मेहमान बनकर पीड़िता के घर पर रुका था। घर में पीड़िता अपनी दादी के साथ रह रही थी। आरोप है कि रात के समय जब एक कमरे में 15 साल की किशोरी सो रही थी तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में हिम्मत जुटाकर पीड़ित किशोरी ने आपबीती दादी को बताई। दादी की तहरीर पर रामपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। डीएसपी रामपुर शिवानी महला ने शनिवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कानून अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दो मासूम बच्चों को पत्नी की गोद में छोड़ स्वर्ग से धारा युवक, पसरा मातम। हिमाचल में युवकों की मौत का सिलसिला जारी है। कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं तो कई युवाओं की हत्या के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के सिरमौर जिला से सामने आया है। यहां एक 35 वर्षीय व्यक्ति का फंदे से लटकर शव मिला है। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मिली जानकारी के अनुसार नाहन शहर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास ही एक युवक ने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय विपिन ठाकुर निवासी राजगढ़ के खैरी के समीप कोटला मांगन गांव के रूप में हुई है। मृतक के भाई की आशंका के बाद पुलिस अब इस मामले में हर पहलू से जांच करने में जुट गई है। पहले आपस में उलझ पड़े पिता और पुत्र, फिर दोनों ने एक साथ निगल लिया जहर। हिमाचल में कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कई बार आर्थिक परेशानियां तो कभी पारिवारिक कलह इन आत्महत्याओं का कारण बनती हैं। इसी तरह का एक अजीबोगरीब मामला हिमाचल के हमीरपुर जिला से सामने आया है। यहां बाप बेटे ने मामूली कहा सुनने के बाद दोनों ने ही जहर निगल लिया। हालांकि दोनों को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिला की करेर पंचायत में एक प्रवासी परिवार किराए के कमरे में रहता है। बताया जा रहा है कि इस परिवार में बाप और बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों बाप बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे दोनों की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आपको बता दें कि इन दिनों आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला राजधानी शिमला के समरहिल से सटे चायली गांव से भी सामने आया था। यहां एक 10वीं के छात्र ने अपने अभिभावकों की डांट से नाराज होकर जंगल में जाकर फंदा लगा लिया था। आज का सुविचार। मूर्खता और बुद्धिमानी में सिर्फ एक ही फर्क होता है। बुद्धिमानी की एक सीमा होती है, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।